ज्योति राउत मेमोरियल फाउंडेशन तरफ रु तांकर जो जन्म जयंती उत्सव पालन करा जाउछि सेई शुभ अवसर रे आज जन्म जयंती उत्सव शुभ अवसर रे आज कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा आमर ये सभा कार्य को गौरवान्वित करथिबा आमर माननीय केन्द्र मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदय माननीय उच्चशिक्षा क्रीड़ा जीवसेवा ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महोदय माननीय सांसद ढेंकनाल श्री रुद्रनारायण पाणी महोदय माननीय विधायक कामाख्या नगर श्री शत्रुघ्न जेना महोदय माननीय विधायक परजंग श्री विभूतिभूषण प्रधान महोदय माननीय विधायिका हिंदोल श्रीमती सीमाराणी नायक महोदया माननीय विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्री बाबू सिंह महोदय शहीद बाजी राउत मेमोरियल फाउंडेशन रो अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णचंद्र आईच महोदय सुरेंद्र महापात्र महाशय एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त सज्जन मंडली बाजी राउत को भल पाउथिबा तांको आदर्श अनुप्राणित होता समस्त एटी उपस्थित थिबा मोर प्रिय भाई भोनी माने प्रेस एवं मीडिया रे समस्त बंधु माने जय जगन्नाथ। आम राज्य ओडिशा एहारो इतिहास रे अनेक वीरपुरुष और वीरांगनांकु सबुदिन पाई अमर करि देछि समानंकर त्याग बलिदान देशप्रेम कोटि कोटि ओडियांक जनमानसरे गभीर भाव रे रेखांकित करिछि सेई वीर ओडियांक मध्यरे शहीद बाजी राउतंकर स्थान अनन्य ओ सबुठारु भिन्न एवं स्वतंत्रता मध्य रहिछि केवल ओडिशा नुहे सारा भारतर कनिष्ठतम स्वाधीनता संग्रामी भावे मान्यता पाइथिबा वीर बालकंकर जीवनी स्वल्प थाई पारे हुए तो तांकर वीरत्वर गाथा इतिहास गोटे किंवा दुईटी पृष्ठारे सीमाबद्ध होइथै पारे किंतु सेई वीरत्वर गाथा भविष्य पीढ़ी को ब्रिटिश सरकार विरुद्ध लड़ाई लक्ष लक्ष बाजी राउत सृष्टि करिवारो या निश्चित भावरे बहुत बड़ प्रेरणादायक थिला। आमे प्रतिवर्ष सेई वीर बालक बाजी राउतंकर जयंती तथा तीरदान दिवस रे श्रद्धांजलि देथाउ मु व्यक्तिगत भावे मो श्रद्धांजलि मध्य अनेक समय कार्यक्रम रे उपस्थित रही श्रद्धांजलि अर्पण करिथाए किंतु प्रथम थर पई आज राज्यर शासन मुख्य भावे 4.5 कोटी ओडियांकर सहित आज दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सुजोग मिलथिबार मु निजकु धन्य मन कर 1926 मसीहा आज दिन में ढेंकनाल जिला नीलकंठपुर ग्राम से जहाँकि आमर ये फाउंडेशन सभापति महोदय ये विषय नीलकंठपुर बाबद उल्लेख करुले एक गरीब खंडायत परिवार जन्म होते आम समस्त अति आपणार से ओडिया वीर पुत्र बरपुत्र श्री बाजी राउत पिलाड़ी दिन से पिता हरईले लोकों घरे काम करी माँ पुओ दुख कष्टे पर गुजराण मेट गुजराण मेटाऊ बाजी राउत ब्राह्मणी नदी डंगा चलाई अन्य साधारण परिवार परी निजर जीवन को मध्य से मेटाऊ सेतेबले इंग्रेज सरकार शासन प्रणाली को सहज करने उद्देश्य समग्र ओडिशा को दुई भाग में विभक्त करदे गोटे है मोगलबंदी अंचल आ गोटे है गड़जात अंचल या से नामित कले विशेष करके गड़जात अंचल राजा मैंने इंग्रेज सरकार सहित बंधुत्व स्थापन करी प्रजा मान शोषण करने आरंभ करदे राजकर्मचारी मान दरमा दौरात्म्य लोक मैंने अतिष्ठ हो उठिले समय समय गड़जात अंचल यही शोषण एवं कषण फलस्वरूप पुंजीभूत असंतोष वृद्धि पाई एक विस्फोरण रूप ने किंतु राजा मैंने इंग्रेज सरकार ताकु कले बड़े कौशले ये जो विद्रोह चली अन्याय विरुद्ध से
कौशल क्रमे पुणी दमन करुले अन्याय अत्याचार दूर कर देश को स्वाधीन करने समस्त मन भितर धीरे धीरे एक नूतन आशा एवं उद्दीपना सृष्टि एवं धीरे धीरे यह समस्त मध्य व्याप्त होला। 1937 मसीहा ढेंकानाळ गड़जात राजा शंकर प्रताप अत्याचारी शासन विरुद्ध आंदोलन तीव्र रूप धारण कर आंदोलन नेतृत्व नौले से अंचल वीर संग्रामी वैष्णव पट्टनायक एवं प्रजामंडल आंदोलन वरिष्ठ अन्यान्य समस्त नेतृस्तरीय व्यक्तित्व ढेंकानाळ जिलार भुवन ग्राम थिला ई आंदोलन केन्द्रस्तरी भुवनटारे यही आंदोलन कार्यपन्था स्थिर होता एवं अनेक समय से ही स्वाधीनता संग्रामी सहित जिते बड़े आगामी दिन ये स्वाधीनता पाई एवं जेभली भाव अत्याचार कराला ताऊपर विभिन्न समय जो आलोचना होता से ही स्वाधीनता संग्रामी सहित बहुत बड़ बड़ लोक से वयस्क लोक मैंने बसिक जिते बड़े आलोचना करुले से ही समय से ही 12 वर्षर बाड़क बाजी राउत से प्रजामंडल आंदोलन जड़े सक्रिय कर्मी हिसाब से कार्य करुले बड़ आश्चर्य लगे जिते बड़े से बाड़क किभली भाव खेल सांगसाथी सहित मिसब बुल खुशी मनब से समय सीए यह प्रजामंडल आंदोलन से जड़े सदस्य हिसाब से कम करले खेल बदल सांगसाथी मान सहित सी वयस्क स्वाधीनता संग्रामी मान सहित प्रजामंडल आंदोलन बाबद से सक्रिय कर्मी हिसाब से कम करुले ये बड़े विचित्र लगुला और या बहुत बड़ गोटे आश्चर्य कथा से दिन थी 1938 मसीहा अक्टोबर मस 11 तारीख जहाँ सभापति महाशय उल्लेख करुले से गोटे कालरात्रि थिला प्रजा मेली आंदोलन संग्रामी मान दमन करने राजा शंकर प्रताप अनुरोध रे सेठी जो व्यवस्थित थिबा पुलिस बाहिनी से पुलिस बाहिनी को भुवन को पठागला एवं पूर्व योजना अनुसार सेठी आरंभ हो गला लाठीचार्ज प्रहार अत्याचार एवं दमन लीला अतर्कित तो आक्रमण प्रतिरोध करने लोक मैंने के प्रस्तुत नथिले अंधार रातिर सुजोग नहीं शह शह संग्रामी तुरंत सेठी एकत्रित हो पुलिस को खूब कम समय भितर पाल्टा आक्रमण करते समस्त देहर था शतसिंहर बड़ बेक कटि जाऊ पचे राज शासन एवं इंग्रेज शासन लोप करे ये प्रकार वज्र शपथ नहीं से प्रति आक्रमण करते इंग्रेज से पुलिस बाहिनी उपरे एवं इंग्रेज पुलिस बाहिनी से संग्राम को एवं प्रति आक्रमण को से प्रतिरोध करें से छत्र भंग दे भुवन ठार ढेंकानाळ सदर महकुमा जावा बाटर नीलकंठपुर ब्राह्मणी नदी घाट थिला समानंकर पाई गोटे बड़ प्रतिबंधक नीलकंठपुर गाँव रे लोके शत्रु मानंकु घाट रे पारी करैबे नाही बोली पूर्वरु समाने निष्पत्ति नै सारिथिले ब्राह्मणी जते बेले दुई कोळ उछुळु थाए आउ सेदिन घाट जगिबार पाड़ी थिला 12 वर्षर बालक बाजी राउतंकर संगरे आउ केते जण मध्ये थांती हठात पुलिस बाहन घाट में पहुँची नाउरिया को नदी पार करने डाकिले किंतु यह पर घटना बहुत सुंदर भाव उल्लेख कर आमर क्षुद्र कविता मध्यम लिखिं आमर श्रीनिवास सामल ये वाक्य शुणी भय तुरे पुणी दक्षिणता रूप बंधुक हाथ में गोरा शरीर में अस्त्र आच्छादित दर्प चेतना पाइला विश्वास बांधिला मन को दृढ़ कराई शुण दुष्टजन हो सवधान साहय करी नहीं षडरीपु माँ अंगे बेड़ी माँ को मुक्त करी प्रतिबदल जीवन को मोर हारे पछे हारि धन प्रलोभन नहीं मोर मने नजीवि तुम पास ये शुणी शत्रु अस्त्र हृद चिरी बाजी को मारे शेष बाजी को करे शेष पुलिस गुड़ी टली पड़े 12 वर्षर साहसी बालक बाजी राउत समस्त बाजी राउतंकर मर शरीर देखि क्रोध एवं जर्जरित हो पुलिस बाहिनी को पुणी प्रचंड आक्रमण करले जीवन विकल से डंगा को छड़े नहीं
नदीगर्भ को पुलिस मैंने पड़ाइले एवं सेठारु गुड़ी चालना करके सामने निजकु सुरक्षित रखापी चेष्टा करते गुड़ी रे शहीद हेले रघु नायक हरुषि प्रधान लक्ष्मण मल्लिक फगु साहू एवं नट मल्लिक देश जातिर स्वार्थ रखापी बाजी राउत सहित छह जन रक्त ब्राह्मणी नदीर पानी से दिन रक्त रंजित हो उठी नीलकंठपुर ग्राम गुड़िकाण्डर पर दिन 1938 मसीह अक्टोबर मस 12 तारीख में देशपाई प्राणबलि से ही छह जन वीर शहीद पार्थिव शरीर को कटक को अणा जाता एवं कटक को आनी एक विराट शोभायात्रा आयोजन करा शेष में कटक खान नगर श्मशान गोटाए चितार समस्ते पाउश हो जाते माटीर देह माटी मिशिता जुगपाई अनेक हेले आम स्वाधीनता संग्राम वीर सैनिक से ही शोभायात्रा और दाह कार्य उपस्थित थे आमर स्वाधीनता संग्रामी अनंत पटनायक रवि घोष मतिलाल त्रिपाठी कवि सची राउतराय एवं चिताग्नि पाखरे चिताग्निर धीमी धीमी आलोक कवि सची राउतराय मध्य एक गाई उठी कविता माध्यम रे नुहे बंधु नुहे एहा चिता एमिती तिमिर तड़े ए अलिवा मुकुति सड़िता मशाणीर चिताभस्म सिना मिशिगला किंतु माटीर एक छोटिया जीवन रेखार दीपशिखा लिभिगला अबेल किंतु काल कालपाई से त्याग और बलिदान रखिगला जश कीर्ति भारत इतिहास पृष्ठारे बार वर्षर बालक बाजी राउत कर्तव्य देश जाति अवदान पाखे आज ओडिया जाति आज नतमस्तक आज बाजी राउत असाधारण देश प्रेम साहस और असीम त्याग आज ओडिया जाति महान गर्व एवं गौरवर प्रतीक एक छोट गाँव में जन्म होते सारा जाति और जन्मभूमि पर जीवन उत्सर्ग कर आगामी पीढ़ी निम्ते से पलटी गले आम समस्त प्रेरणार उत्स आज युवपीढ़ी तर कर्तव्य निष्ठा नीति और आदर्श अनुप्राणित होवार नित्यांत काम आवश्यकता अच्छी अक्टोबर मस हो बाजी राउत सहित ई अक्टोबर मस हो बाजी राउत सहित महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर मध्य जन्म होते यही मासरे यही समस्ते निज निज स्तर में ये देश जाति त्याग बलिदान समस्ते समस्ते देखते जो मानक अक्टोबर मासरे जन्म होता बाजी राउत बलिदान ये व्यथा जाईना बाजी राउत त्यागर पदचिह्न को अनुसरण कर सेप्टेम्बर 1922 मसीह भद्रक जिलार इरममाटी रक्ताक्त हो उठी स्वाधीनता संग्रामी लहुरे सेमिति कहा जाए जे एक बारूद गदा को विस्फोरण करने एक दियाशिली काठि जथेष्ट से हीपरि एक विप्लव को जाग्रत करवा छोट बलिदान विस्फोरक भाव काम करें गांधीजी द्वारा होता रमण सत्याग्रह गोटे छोट प्रतिमात्मक आंदोलन होता ही पारे किंतु यह सारा भारत स्वाधीनता संग्राम एक नुआ अध्याय जोड़ी ठीक से हीपरि ओडिशार से समय चली आसुवा स्वाधीनता संग्राम जात्रारे बाजी राउत बलिदान जनमानस एक अद्भुत पूर्व उत्साह देखाई एवं राज्यर स्वाधीनता संग्राम को नूतन आशा और दिशा प्रदान कर भारत इतिहास में बाजी राउत होती देशर सर्वकनिष्ठ स्वाधीनता संग्रामी शहीद शहीद बाजी राउत मेमोरियल फाउंडेशन पक्षर तर जयंती जो आज पालन करश्चित भाव आज से भुवन से नीलकंठपुर अंचल आज ये भुवनेश्वर को आसवा एवं आज ये कार्यक्रम आमर यही जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित हवा वास्तविक आज दिन में आमको प्रेरणा जोगाई देवार एक उत्तम माध्यम ओडिया बरपुत्र हिसाब से सर्वकनिष्ठ बरपुत्र हिसाब से आज बाजी राउत तांकर त्याग बलिदान विषय आज तांकर आदर्श को एवं तांकर जो संघर्ष को आधार कर जेभली भाव आज ओडिशा ओडिशा रे एवं सरकारी स्तर में जेभली भाव में कार्यक्रम करने कथा ताहा हुए तो आज करना मुंतु आज निश्चित भाव ये कथा कहवापी चाहिए आगामी दिन में जो जन्म जयंती को केवल साधारण स्तर में नुह सरकारी स्तर में ताकू पालन करवा एवं कार्यक्रम को करवा यह निश्चित भाव में मन करुँ यह ही जदि आम सबुदिन से बरपुत्र हिसाब से आदर्श को
आम अनुप्राणित हो जेभली भाव से इते कम बयस जे स्वाधीनता संग्रामी भारत वर्ष मान्यता पाइबा और भारत वर्ष स्वतंत्रतार ये हूँ अनन्य एणु निश्चित भाव आम सरकार एत्नमान सहित या कार्यकारी करने विशेष करी जन्म जयंती को सरकारी स्तर में व्यापक भाव कार्यक्रम करने मुझे आज ये घोषणा करुँ ये कार्यक्रम को सफल रूपायन करें तामर यथार्थ श्रद्धाजलि हे आज एभरी जन्मदिन में कथा स्मृतिचारण करने मत सुजोग मिलित मुझे निजक धन्यवानित मन करुच्ची गौरवान्वित मन करुच्ची मोर वक्तव्य को ये शेष करुच्ची भारत माता की जय वंदे उत्कल जननी जय हिंद।